जय गुरु। चलिए आज इष्टवृत्ति के बारे में कुछ आलोचना करेंगे। प्रश्न है, इष्टवृत्ति कब करना है? शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं, अरुण उसार आगे ही करीस रात्रि सज्जार सकल त्याग, ए रागे रही अनुरागे करीस इष्टवृत्ति जाग। एक अनुसूति 2:40 अर्थात अरुण उषा या सूर्योदय के पूर्व आसमान में लाली छाई हो के पहले ही रात्रि सज्जा का सब कुछ त्याग करना है। उसी लाली से अनुरंजित होकर इष्टवृत्ति यज्ञ करना है। इष्टवृत्ति के रूप में नित्य भोज्य या नैवेद्य उत्सर्ग करने की विधि है, लेकिन इसे रखना एवं इसे ही महीने के अंत में इष्ट स्थान में भेजने में वास्तविक असुविधा है। इसलिए भोज्य के अनुकल्प में या बदले में पैसा रखा जा सकता है। इष्ट का भारण ही मुख्य है, यही मूल है भूत भोज्य या भ्रातु भोज्य का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई इष्टवृत्ति नहीं करे, इष्टवृत्ति का आनुषंगिक या प्रासंगिक रूप ही भूत भोज्य और भ्रातृ भोज्य है, लेकिन इष्टवृत्ति की पुनर्गता के लिए भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य अवश्य ही देय है। हर 30वें दिन दक्षिणा और संगठनी सहित इष्टवृत्ति देने या भेजने के बाद ही भ्रातृभोज्य और भूत भोज्य के दान के विधि है। आलोचना प्रसंग 2:146 दक्षिणा देय ना दीक्षा नेय दीक्षा ताटी मुसेड खाए। 26 अनुसूति 1:338 अर्थात दक्षिणा नहीं देकर दीक्षा लेने से दक्षता मुरझा जाती है। सुमान से जा कर भी तुई सदक्षिणाय करिस्ता इष्टवृत्ति स्वस्तैनर दक्षिणाय बाड़े तत्परता। अनुश्रुति अर्थात शुभ इच्छा से तुम जो करोगे उसे दक्षिणा सहित करो। इष्टवृत्ति और स्वस्तैन की तत्परता दक्षिणा से बढ़ती है। ये सब गुलिर आचरण इष्टवृत्ति निखुंत है। ये ना करे इष्टवृत्ति जनिस किंतु पूर्ण नए। 7 अनुसूति 1:356 अर्थात इन सभी के आचरण में इष्टवृत्ति त्रुटिहीन होती है। इन्हें नहीं करने से जान लो इष्टवृत्ति पूर्ण नहीं होती है। इष्टवृत्ति का भ्रातृभोज्य और भूत भोज्य दान इत्यादि तुम लोग यदि धर्माचरण धर्म के आचरण के रूप से पालन करते हो, तब देखोगे इसके माध्यम से कितनी पारस्परिकता अंकुरित हो उठेंगे। भूत यज्ञ का अर्थ साधारण जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे तक की भी सेवा करना है। जय गुरु।